अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा गनी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमएस किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट और साइकोड्रामेटिस्ट भी हूँ। इस वक्त मैं रशीद हॉस्पिटल DHA लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। माहिर नफ्सियात वो होता है जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि साइकेट्रिस्ट होते हैं वो आपको मेडिसिन देते हैं, लेकिन जो माहिर नफ्सियात होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत आपकी इंटरवेंशन करता है, आपके रवैये और आपकी सोच को देखता है। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो माहिर नफ्सियात होता है वो हमें हमारी काउंसलिंग भी करता है। मिसाल के तौर पर हमें आम लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम बिज़नेस में हमारे कोई मसाइल आ रहे हैं जो हमसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, इसके साथ साथ हमें पढ़ाई में कोई इशू आ रहे हैं, इन सब मसाइल का हल जो है वो साइकोलॉजिस्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बीमारी है या हमें कोई ज़हनी मसला है तो ही हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसके साथ साथ आप तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जब आपको डेली लाइफ में कोई इशू आ रहे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं डिप्रेशन को डील करती हूँ, एनजाइटी को डील करती हूँ, सोशल प्रॉब्लम्स, इन सोशली जो भी हमें मसाइल होते हैं उनका हल करती हूँ। इसके अलावा बच्चों में रवैयों के जो मसाइल होते हैं उनको मैं देखती हूँ, और इसके साथ साथ हमारे जो घरेलू मसाइल होते हैं ज़वाजी ज़िंदगी में, मैरिज काउंसलिंग, इसके अलावा जो है वो शाइनेस आ जाती है लोगों में, आपस में मिलने से डरना और घबराहट होना, गुस्सा आना और नींद के मसाइल, इन सब का जो है वो मैं हल बताती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क पता नहीं होता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि वो नॉर्मल ज़िंदगी में वैसे उदास हैं या वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो सैडनेस जो होती है वो एक नॉर्मल की एक स्टेट है जिसमें आप कि रोज़मर्रा ज़िंदगी थोड़ी मुतासर होती है, आप किसी इवेंट की वजह से थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं, उसे हम सैडनेस का नाम दे देते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन होता है उसमें ये एक नॉर्मल स्टेट आ जाती है जिसके अंदर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाती है, आप अपने काम करना छोड़ देते हैं, तो ये सीवियर कंडीशन आ जाती है। तो सैडनेस और डिप्रेशन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एक बहुत अहम मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में अब घरेलू मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे माशरे में मैरिज काउंसलिंग का इतना ट्रेंड नहीं है। और मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो मैरिज काउंसलिंग के लिए, और उनके मसाइल इससे बहुत हल हो जाते हैं। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जब उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मियाँ बीवी के आपस में ख़राब होते हैं तो उनको मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी वजूहत हो जाती हैं जो आपके कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, उसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। जब आप मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हो तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपकी हल हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो आपको ज़रूर जो है वो मैरिज काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। अगर कोई दिमागी मसाइल में मुबतला हो जाए तो लोग इसको बोधर नहीं करते हैं, इस मसले को मसला ही नहीं समझते हैं, या अगर समझ भी लें तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह जो मेरे ख्याल से वो हमारा एक फियर और हमारा स्टिग्मा है हमारे माशरे का, सिर्फ हमारा ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन हमें इस फियर से निकलने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फिज़िकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने मसाइल का हल बताना चाहिए, हल करवाना चाहिए। अब ये देखें कि लोग अपने मसाइल साइकोलॉजिस्ट को नहीं बताएंगे, लेकिन आम लोगों से डिस्कस करते रहेंगे और उन्हें उनसे मशवरे लेते रहेंगे, जबकि इनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। आपको एक टेक्निकल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि आपकी राजदारी भी रखेगा और आपको मसाइल का हल भी बताएगा, आपकी मदद करेगा। मरहम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझे विज़िट करना चाहते हैं, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं इस वक्त रशीद हॉस्पिटल DHA लाहौर में होती हूँ। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच।